हेलो एवरीबॉडी दिस इज मिलिंदर लाइफ कोर्स एंड माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कैनेडा दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि स्वर विज्ञान के हमें क्या फ़ायदे हैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी इसके तो हजारों फायदे है. हैं अगर हम इस साइंस को समझते हैं डीपली इसको जानते हैं तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है हमारी कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है कितना कुछ हमें अचीव हो सकता है कि हम इमेजन भी नहीं कर सकते लेकिन मैं बहुत ही बेसिक बात कहने वाली हूँ इट मे बी ए रिमाइंडर है कि हम थोड़ा सा ख्याल रख के हम कितना कुछ इससे फायदा ले सकते हैं मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था जहाँ बेसिकली हमें सभी को पता है कि जो हमारा राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है सन को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है सूर्य सन गर्म होता है सो so, जब हम राइट नॉस्ट्रल की बात करते हैं हमारी बॉडी जब नाइस जो राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करती है तो तब हमें क्या करना चाहिए और जब हमारी बॉडी लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीड करती है तब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली वन एंड हाफ आवर टू टू आवर्स ईच नोस्ट्रल से ब्रीड करती है समटाइम्स जिस नोस्ट्रल से हमारी बॉडी को ब्रीड करना चाहिए उस नोस्ट्रल से ब्रीथ नहीं करती लेकिन हम उसको बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं सबसे पहले हम सुबह उठकर देखें कि हमें जब उठते हैं तो हमारा कौन सा नोस्ट्रल ब्रीद कर रहा है जिसली रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रल है आइडियलिस्टिकली वो ब्रीद करना चाहिए आगे जाकर क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा नोस्ट्रल जब ब्रीड करता है तो कौन सा काम करना चाहिए हमें फायदा होगा और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए ताकि हमें नुकसान ना हो तो मॉर्निंग टाइम जब हम सुबह उठ गए तो जब हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी डे टू डे लाइफ की हम एक्टिव हो गए तो तब हमारा राइट right नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाना चाहिए अगर नहीं चलता तो हम उसको चला सकते हैं सो राइट नॉस्ट्रल बिकॉज सन को रिप्रेजेंट करता है सन में हीट होती है तो इससे हमें जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है कोई हम हैवी काम करना चाहते हैं तो अगर उस वक्त हमारा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है तो हमें थकान कम होगी कोई भी फिजिकल वर्क अगर हम करते हैं तो राइट नॉस्ट्रल अगर चलता है तो हमें उससे आ, हमारी बॉडी को नुकसान कम होगा और फायदा ज्यादा होगा रही बात फूड की तो राइट नॉस्ट्रल जब चलती है तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है अग्नि क्रिएट होती है बिकॉज अग्नि को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट नॉस्ट्रल हमें जब रेस्ट चाहिए हमें जब थोड़ा सा लाइक आराम का टाइम चाहिए जब हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल चलता है तब अगर हम आराम करते हैं तो हम बहुत जल्दी फ्रेश फील करेंगे रात को सोते वक्त जहाँ कोई हम आराम से बैठे हैं कोई स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुन रहे हैं कोई सूदिंग uh, म्यूज़िक सुन रहे हैं अगर उस वक्त उस वक्त सुनते हैं जब उस वक्त रेस्ट करते हैं जब हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो हमें कूल डाउन करता है हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को तो एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले हमें अपनी खुद की बॉडी की नेचर पहचाननी पड़ेगी अगर हम इंटरनेट से सुनते हैं कि रात को सोते वक्त जैस लेफ्ट नॉस्ट्रल चलना चाहिए और एक्टिविटी करते समय राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए जहाँ रात को ऐसे करवट लेकर सोए कि हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो ऊपर हो हमारा जो लेफ़्ट आर्म है वो ऊपर हो ताकि हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रल चले और अगर हम हमने खाना खा लिया है रात को तो हम अपना राइट नॉस्ट्रल चलाना चाहते हैं तो हमारा जो राइट नोस्टर है जे आर्म वो ऊपर होनी चाहिए लेटते समय लेकिन आपको अपनी बॉडी की नेचर को पहचानना पड़ेगा पहले कुछ लोगों की जो बॉडी की नेचर होती है तासीर होती है वो ऑलरेडी गर्म होती है उनकी पित्त बहुत ज़्यादा होती है तो उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है फिर उसको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल चलाना पड़ेगा सो अगेन ये रूल्स सभी पे अप्लाई नहीं होता इस रूल को आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मोल्ड करना पड़ेगा अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है ऑलरेडी तो आपको अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है तो इट्स वेरी गुड जहाँ आप अपना लेफ़्ट नॉस्ट्रल चला सकते हैं ताकि आपकी बॉडी और माइंड कूल डाउन रहे दूसरी तरफ अगर आपकी बॉडी की जो नेचर है वो कोल्ड काइंड ऑफ नेचर है या अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा है आपको सर्दी लग जाती है तो आप अपना राइट नॉस्ट्रल चला सकते हैं फिर आपको हीट की ज़रूरत है ताकि आपकी बॉडी वार्म अप होए तो अगेन अगर आपको अपना नॉस्ट्रल कौन सा नॉस्ट्रल से सांस चलानी है वो बदलना पड़े तो आप उसको आराम से बदल सकते हैं अगर आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल चलाना है तो आपको कुछ मिनट आपका नाइट जो राइट नॉस्ट्रल है उसको बंद करके आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए तो आपका लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा लेफ्ट से ही आप सांस लीजिए और सांस बाहर छोड़िए अगर आपने अपना राइट right नॉस्ट्रल चलाना है तो आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करके राइट right से ही सांस लीजिए और छोड़िए तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं लेकर जाने वाली क्योंकि इसमें जो हमारा नॉलेज है वो तो एक परसेंट का वन फोर्थ भी नहीं है लेकिन ये वीडियो एक रिमाइंडर है ताकि आप इस पर रिसर्च कर सकें आप गूगल कर सकें दे बहुत सारे लोग जो इसमें एक्सपर्ट है आप उनको सुन सकें मेरे लिए तो सिर्फ एक रिमाइंडर है ताजो आपका जो अटेंशन है इसकी तरफ जा सके और आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एफर्ट्स कर सके इससे बहुत फ़ायदा होता है एंड uh, आप ट्राई कीजिए एंड आपकी फीडबैक मुझे दीजिए प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में कुछ शॉर्ट टिप्स मालूम है तो आप शेयर कीजिए सभी के साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो जनरल जो टिप्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्राइवेट क्वेश्चन है जो आप दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते तो वही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए क्योंकि समटाइम्स uh, टाइम की प्रॉब्लम uh, होने की वजह से मैं अपना व्हाट्सएप के मैसेज समटाइम्स uh, उनको खोलना मुश्किल हो जाता है द मीन टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बी इन ट्यून विथ मी ऑन माई फेसबुक पेज इंस्टाग्राम एंड लिंकटन अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं हमारी टीम के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं माइंड हिपनेटिज़म एंड अपने जो आपके वैल्यूबल कॉमेंट्स हैं वैल्यूबल सजेशंस हैं वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे एंड बी ब्लेस्ड